तो हमारा लास्ट लोग जूनागढ़ फोर्ट पर यानी कि बीकानेर किले के ऊपर बना था। लेकिन उस व्लॉग के अंदर हमसे एक गलती हुई, हमने इस किले का निर्माण 1993 बता दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। इस फोर्ट का निर्माण 1589 से लेकर 1594 तक हुआ। और आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे प्राचीन संग्रहालय से। तो अगर आप लोग प्राचीन संग्रहालय विजिट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि ये लोकेशन जो बीकानेर फोर्ट है यानी कि जूनागढ़ फोर्ट के अंदर ही है। और इसकी टिकट आप जब आप जूनागढ़ फोर्ट की टिकट ले रहे हैं उस समय भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ इस जगह को विज़िट करना बहुत आसान है, और ये लोकेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हमारे पुराने इतिहास को देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि राजा महाराजा अपने समय में कैसे रहा करते थे, कौन सी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो भाई ये लोकेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा महाराजा किस पर सोते थे, किस में खाते थे, क्या पहनते थे, मतलब कि उनके खाने से लेकर पीने तक सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है हमारे जूनागढ़ फोर्ट की। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज हम बीकानेर के सभी जितने भी संग्रहालय हैं, जितने भी म्यूज़ियम हैं, उन सभी को क्यों ना विज़िट किया जाए। और हम लोगों ने अपना नेक्स्ट लोकेशन तय किया गंगासिया राजकीय संग्रहालय, जहां आप राजा महाराजाओं के जो भी जितने भी कर्म कांड थे वो सब यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आप आते ही देखोगे कि यहां पर बीकानेर के जितने भी राजा महाराजा थे उनके सभी इतिहास यहां पर आप आकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजा महाराजाओं ने जो शिकार किए थे, जिन जंगली जानवरों के शिकार किए थे, उन सभी की लगभग यहाँ पर आपको डमियाँ देखने को मिलेगी। महाराजा गंगा सिंह ने अपने काल में कई शेरों का शिकार किया था। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। यहाँ पर पुरानी जो पोर्ट्रेट तस्वीरें हैं वो देखने लायक हैं। इन्हें देख कर आप अपने जो राजा महाराजाओं के जो पुराने समय में इनका जो रहन सहन था उसका आप अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। यहाँ पर आप जो शिकार ग्रह की फ़ोटोज़ है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा शिकार किए गए उनकी भी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुरानी बंदूकें थी, जो पुरानी पिस्तौलें थी, उनका भी एक बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लगभग जो राजा महाराजा अपने समय में यूज किया करते थे उन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी अच्छे तरीके से की गई है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन था वो था सादुल म्यूज़ियम। और यहाँ पर हम लोगों ने पहुँचते ही सबसे पहले ली इस म्यूज़ियम की टिकट, और जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया अंदर सामने देखने को मिला लालगढ़ पैलेस, जो कि सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। लेकिन अब ये होटल में बदल गया है तो यहाँ पर आप लोग विज़िट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सादुल म्यूज़ियम में हमें जो अंदर भैया थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर वीडियो शूट बिल्कुल मना है, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और सादुल म्यूज़ियम से निकलते ही मैं निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर, और वहाँ पर पहुँचते ही मैंने देखा वहाँ पर किसी मूवी का शूट चल रहा है। लेकिन मेरी बस यहाँ से चल पड़ी और मुझे पता नहीं लगा कि आखिर कौन सी मूवी या किस सीरियल का वीडियो शूट हो रहा था। वैसे मेरा प्लान था कि मैं बीकानेर शहर में एक दिन और रुकूं, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अगले दिन बसों की हड़ताल है, और इसी कारण मैंने उसी शाम को जो मुझे बस मिली मैंने उसे पकड़ा और अनूपगढ़ शहर की ओर रवाना हो गया। मैं लेट नाइट अनूपगढ़ शहर पहुँचा तो इस कारण मुझे अपने गाँव पहुँचने के लिए कई लोगों से लिफ्ट मांगनी पड़ी, और ये मेरी जर्नी एक यादगार पल बन गया।